इस वेले असी दुध सागर जिहड़ा हैगा आ वाटरफॉल उत्थे आ गए हाँ और पानी की मात्रा चाहे ज़्यादा नहीं हैगी। ये जिहड़ा फॉल हैगा आ ये बिल्कुल कर्नाटका और गोवा के बॉर्डर के उत्ते हैगा। पानी इन्हां दिनां च ज़्यादा नहीं हैगा, पानी घट है पर फिर भी उत्तों पानी गिरता हुआ ठीक लग रहा है। इट्स लुकिंग नाइस और बहुत ज़्यादा हैगा। ये फॉल जिहड़ा हैगा आ ये पानी के जो उपरों पानी आ रहा उस तो थले रेलवे लाइन है और रेलवे लाइन के विच दरे बनाए हुए हैं उन्होंने दरिया के विचों पानी लंघ के आ रहा है। ये मैं हमने दिखाना एक उपर पानी है ये जी है पुल बनया होया उस तो रेलवे लाइन लंघती है सौ सेंटर रेलवे ये दरिया के विचों पानी लंघ के होया तो फिर थले गिरता है। जदों ट्रेन चो आप लंघते हैं इस जगह तो खास करके बरसातों के तो बहुत ही रमणीक जिहड़ा नज़ारा हैगा वो नज़र आता है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो इस वेले क्योंकि पानी की मात्रा घट है तो रेल के थले जगह बनाई है दरे बनाए हैं वो दरिया के जोड़ा है पानी जोड़ा है थले उपरों वो रेल तो नहीं गिरता फिर रेल के थले जो दरे आ रेल की ट्रैक के थले दरे आ उन्होंने निकल के फिर पानी जोड़ा अगे जाता है। सो ये हैगा आ पहला व्यू जोड़ा आ पहला व्यू हैगा जोड़ा ये हैगा इस दुध सागर का ये है ये फुल व्यू हैगा दुध सागर ये उपरों कर्नाटका साइड तो पानी जोड़ा पहाड़ियों के उपरों थले गिरता है पहाड़ी के नाल नाल फिर बिच भी रेलवे ट्रैक लंघती पई है। देखो रेलवे ट्रैक हैगी रेलवे ट्रैक के थले साइफन बने हुए आ दरे बने हुए आ अजक पुली नुमा जोड़े दो बने हैं इन हों पानी जोड़ा आ वो फिर थले तो थले जोड़ा है वो आ जाता है। इस वे बहुत सारे लोग जोड़े थे वह इसका नज़ारा लैके वापस आ रहे हैं। असं जाना साढ़े को भी बस घंटे का टाइम आ तो फिर अभी वापस आना।